अफगान जलेबी माशूक फरेबी खायल है तेरा दीवाना भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खालिद आपका मेरे चैनल अफगान रिएक्शन पे खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों एक ट्रेलर रिलीज़ हुआ है और व्यूअर्स ने कहा कि आप उस पे रिएक्ट करो और ये है अल्लाह अल्लाह ऑफिशियल ट्रेलर और ये जो कहानी है तलाक के बारे में है अल्लाह अल्लाह और मैं भी देखना चाहता हूँ तो आके देखते हैं। शादी एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ दो लोगों को ही नहीं दो रूहों को जोड़ता है, एक ऐसा रिश्ता जहां दो लोग एक होकर जिंदगी भर साथ निभाने की कसमें खाते हैं। लेकिन फिर अचानक से तीन अल्फाजों का एक लफ्ज जिसे एक साथ तीन बार बोल दिया जाए तो सारे दिए हुए वचन सब फीके पड़ जाते हैं। हम तलाक देते हैं आपको। तलाक, तलाक, तलाक। आप लोग हमें माफ कर दीजिए, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए और हमें फिर से साथ रहने की इजाजत दीजिए। इश्कबाजी में दिमाग फिर गया इसका। तलाक बिद्दत के बाद जोड़े को साथ में रहने की इजाजत नहीं है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? इतनी मोहब्बत है ना अफजा से तो उसे दोबारा फारे का सिर्फ एक रफ्तार उससे निकाह हलाला करवाना होगा। किसी दूसरे आदमी से निकाह करके उसके साथ बीवी के सारे फर्ज निभाने होंगे और फिर उस आदमी से तलाक लेकर तुमसे दोबारा निकाह कर सकती। अब मैंने आपके निकाह हलाला की बात ज़ैद से किया है। हम अपने जिस्म को आपके अलावा किसी और को छूने की इजाजत कैसे दे दे रहा है? आप हमारे जिस्म को तो छू सकते हैं पर हमारी रूह पर सिर्फ और सिर्फ राहिल का हक है। ये निकाह कोई समझौता या हलाला नहीं है, ये हम दोनों की मर्जी से हुआ है। हम अभी भी वही अफसा हैं जिसे आपने आखिरी बार देखा था, आपसे दीवानों की तरह मोहब्बत करने वाली। हलाला पहले इस्लाम में तो ज़रूरी है कि कोई अपने बीवी को तलाक ना दे, क्योंकि तलाक कोई खेल नहीं है। तलाक बोलना कोई चाहे वो गुस्से में हो चाहे वो ऐसे ही हो तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप उसे कहे ये बात, और जब कह दिया तो बहुत सारे मुश्किलें आ सकती है। तो ये मूवी बताए रही है ऐसी कुछ बहुत ज़बरदस्त की मूवी है जो किसी को पता नहीं ज़्यादा तलाक के बारे में गुस्सा करके तलाक बोल देता है, तो ये मूवी तो देखना उसको ज़रूरी है। और कैसा आपको लगा तो ज़रूर कमेंट में बताएं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।